मुख्य निर्वाचन एहलकार नवीन महाजन की अध्यक्षता में जयपुर में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों ने ले रही समीक्षा बैठक, लाइव वेबकास्टिंग का त्वरित विश्लेषण कार्य योजना बनावा दिना निर्देश। दीपावली का त्यौहार ने देखता तका जयपुर शहर में यातायात और सुरक्षा का कराया गया खास इंतजाम, पुलिस और होमगार्ड का 6,072 जवान भी तैनात, पर कोटा में भारी वाहन और प्रवेश वर्जित। प्रदेश भर में आज दीपोत्सव रे दूजे दिन मनाई जा रही है रूप चतुर्दशी, जैसलमेर अंतर्राष्ट्रीय सीमारी चौकिया माते महिला जवान रंगोली बनार करी सजावट। खाद्य महकमा री टीम धौलपुर में एक दर्जन सु 32 ठोरा माते करी कार्रवाई, 2,200 किलोग्राम मिल्क केक करो गयो नष्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड ने 6 विकेट सोहरार वनडे सीरीज करी अपने नाम, भारत 3 मैच वाली सीरीज ने 2-1 सो जीत। नमस्कार, सबू पहली डीडी न्यूज रा सगड़ा दर्शका ने दीपावली री बहुत बहुत बधाई और शुभकामनावां। और अब खबर विगतवार। मुख्य निर्वाचन एहलकार नवीन महाजन री अध्यक्षता में जयपुर में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों ने लेर समीक्षा बैठक राखी जी, जिनमें जिला निर्वाचन एहलकार और पुलिस एहलकार ने मतदान री लाइव वेबकास्टिंग रा त्वरित विश्लेषण री कार्य योजना बनावा निर्देश दिया गया। बैठक रे दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ावा, जागरूकता गतिविधियां रा संचालन, संवेदनशील मतदान केंद्रों की पिछाण करवा रे साथ ही अवैध नकदी शराब और नशीला पदार्थों की धरपकड़ री कार्रवाई बढ़ावा माते विगतवार चर्चा करेगी। मुख्य निर्वाचन एहलकार बतायो कि कुल 1,938 मतदान केन्द्र माए सू 1,122 मतदान केन्द्र माते लाइव वेबकास्टिंग वेली। प्रदेश में 7 सीटा माथे 13 नवंबर ने होण वाला विधानसभा उपचुनाव ने लेर कार्मिका ने ईवीएम मशीनारा उपयोग रो प्रशिक्षण दियो जा रियो है। झुंझुनू जिला निर्वाचन एहलकार रामोतार मीणा री अगुवाई में आज सूचना केन्द्र सभागार में ईवीएम मशीनारा उपयोग और सावधानी ने लेर कार्मिका ने प्रशिक्षण दियो गयो। जिला परिषद सीईओ कैलाश चंद बतायो कि कार्मिका ने मशीन ने चलावा रो प्रशिक्षण दियो गयो है। झुंझुनू विधानसभा का उपचुनाव 13 नवंबर को होना है, मतदान दिवस उसमें 13 नवंबर है। इसके लिए हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें आज हम यहाँ ट्रेनिंग देने के लिए आए हुए हैं, और जितने भी कार्मिक चुनाव में कार्य करते हैं उन सब को क्रमशः हम ट्रेनिंग देते हैं। आज ऐसे कार्मिक जो ईवीएम मशीनों को तैयार करेंगे और उनको ऑपरेट करने के लिए जितनी भी उस सिस्टम में आवश्यकता होती है वो हमारे जो दक्ष प्रशिक्षक हैं उनको रिटर्न और फिजिकल दोनों रूप में बता रहे हैं, जिससे लोग ईवीएम को तैयार करने में इसमें ठीक से दक्ष हो सकें। झुंझुनू में विधानसभा उपचुनाव ने लेर आदर्श आचार संहिता और सुरक्षा व्यवस्था में लेर प्रशासनिक अहलकार दौरो कर्या। डीएसपी वीरेंद्र कुमार री अगुवाई में झुंझुनू पुलिस और बीएसएफ रा जवान फ्लैग मार्च कर्या। फ्लैग मार्च रे दौरान मतदाताओं सु निर्भीक होर मतदान करबारी मनुहार करेगी। ये विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर शहर में सुरक्षा एवं आचार संहिता की पालना के संदर्भ में एवं अन्य व्यवस्थाओं बाबत फ्लैग मार्च किया गया है। ये प्रतिदिन अलग अलग रूट डिसाइड किए, आज मंडावा रोड जेबीसा कॉलेज और इधर किया था, कल सिटी में किया था, और बारी बारी से ऐसे शहर में चलता रहेगा। पंजाब रा राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया आज उदयपुर पुग्या। डबोक हवाई अड्डा माथे राज्यपाल ने पुलिस रा जवाना कानीसू गार्ड ऑफ ऑनर दियो गयो। इन दौरान उदयपुर विधायक ताराचंद जैन, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल समेत दूजा प्रशासनिक अहलकार
पंजाब रा राज्यपाल रो स्वागत कर्या। कटारिया 4 नवंबर ताई उदयपुर प्रवास रे दौरान कई कार्यक्रम में भाग लेवेला। अजमेर रो किशनगढ़ एयरपोर्ट केंद्र सरकारी उड़ान योजना में भीड़ो हुबारा पचे स्थानीय नागरिका ने सुविधा मिली है। साथ ही हवाई अड्डा माते हवाई उड़ाना रे साथ यात्रियों की तादाद में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। बटई पर्यटकों को कहना है कि अजमेर रे नेड़े हुबारे कारण टेम री बचत भी है और पर्यटन रे ठोरा ताई आसानी से पूग्यो जा सके है। भारत सरकार की योजना है जिसमें भारत सरकार का विजन था उड़े देश का आम नागरिक, मतलब हवाई चप्पल वाला आदमी भी इस उड़ान योजना के तहत सफ़र कर सके, इस तरह की भारत सरकार की योजना है। इस योजना में किशनगढ़ एयरपोर्ट को 2017 में शामिल किया गया। लास्ट फाइनेंशियल ईयर 23-24 में यहाँ पर लगभग 41,000 यात्रियों ने सफ़र किया और अभी वर्ष 2024-25 में पिछले 6 महीने में ही लगभग 39,000 यात्री सफ़र कर चुके हैं। किशनगढ़ एयरपोर्ट आने से हमारे लिए एक फ़ायदा ये हो गया है कि हम लोगों को नागपुर से डायरेक्ट फ्लाइट है, यहाँ की जयपुर तक फ्लाइट रहती थी वो लेओवर्स में रहती थी, हमको 5-6 घंटा लगता था, तो हमारे लिए इजीली एक्सेसिबल हो गया यहाँ पर आना और यहाँ से हम लोग डायरेक्टली खाटू श्याम जी के दर्शन बहुत आसानी से कर पाते। स्वीट एयरपोर्ट, वेरी नीट, वेरी क्लीन, ब्यूटीफुल सरप्राइज, आई रियली लाइक इट आउट हियर। इससे यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं उनको भी काफी फायदा हुआ है, भारत के जो टूरिस्ट हैं उनको भी काफी फायदा हुआ है और जो फॉरेन टूरिस्ट है वो वाया दिल्ली या अन्य जो शहर हैं वहाँ से किशनगढ़ आते हैं और राजस्थान के टूरिस्ट प्लेसेस को एंजॉय करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी यहाँ किशनगढ़ में मौजूद है, इसलिए यहाँ लोगों की आवाजाही बनी रहती है। इससे भारतीय नागरिकों को और आम आदमी को काफी फायदा मिला है। शिखा शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, अजमेर। दीपावली रा त्यौहार ने देखता तका जयपुर शहर में यातायात और सुरक्षा रा खास इंतजाम कराया गया है। बाजारा में पुलिस जमाना रा अलग हूँ जापता रे सागे QRT टीम भी तैनात करी गई है। पुलिस कमिश्नर बीजू जार्ज जोसफ बतायो कि परकोटा में 3 दिन ताई भारी वाहना रो प्रवेश बंद रहेलो। भीड़ ने देखता तका 6,000 से 32 पुलिस और होमगार्ड रा जवान तैनात कराया गया है। खुशी का माहौल बनाए रखने के लिए, शांति का माहौल बनाए रखने के लिए पूरा इंतजाम किया है। हम सड़क पर रहेगा और हमारे अफसर से जवान तक सारे आदमी आपके सुरक्षा के लिए, आपका व्यवस्था लगाने के लिए मौजूद रहेंगे। आप, मेरी तरफ से आपको अपील ये है कि आप भी खुशी का माहौल बनाए रखें, त्यौहार को त्यौहार के तरह मनाए रखें, सद्भावना रखें और अच्छी तरह इसको हम निपटाएं। जो कैमरा जो ऑलरेडी उपलब्ध है उस कैमरा से हम निगरानी रखेंगे, जहाँ जहाँ भीड़ भाड़ है, जहाँ जहाँ व्यवस्था रखना है, तो हमारे यहाँ जो कंट्रोल रूम है वहाँ हमारा अफसर सतर्क रहेंगे, तो उससे हमें इनपुट मिलते रहेंगे कहाँ भीड़ भाड़ है, कहाँ पे जाम लग रहा है, जहाँ डाइवर्शन की ज़रूरत है। और इसके अलावा हम मीडिया के जरिए जो डाइवर्शन का रास्ता है, जो वन वे का रास्ता है, उसका भी हम सबको सूचित किया है, तो रोशनी देखने के लिए जो आने वाला है उनको उस हमने जो व्यवस्था किया है उसके अनुरूप अगर उसी रूट से अगर सफर करेगा तो बिल्कुल कोई अव्यवस्था नहीं होगा। अयोध्या में आज दीपोत्सव मनायो जावेलो। 28 लाख दिया सू 55 घाटा माते रोशनी करी जावेली। इन दौरान 500 ड्रोना रे जरिए भव्य एरियल ड्रोन शो रो भी आयोजन वेलो। 2017 सू शुरू हुई दीपोत्सव री परंपरा हर बरस नयो कीर्तिमान बना रही है। अयोध्या में रामलला रा विराजमान होबारे पछे ओ दीपोत्सव खास महत्व राखे है। इनरा साथ ही देशभर में आज छोटी दिवाली भी मनाई जा रही है। Yeah.
प्रभु श्री राम की अयोध्या में प्रकाश के महापर्व का आयोजन हो रहा है। 28 से 30 अक्टूबर तक आयोजित दीपोत्सव महापर्व का ये 8वां संस्करण है। साल 2017 से शुरू हुई अयोध्या दीपोत्सव की परंपरा हर साल नए कीर्तिमान बनाती है और इस बार ये और भी विशिष्ट है क्योंकि 500 वर्षों का अयोध्या में ही श्री राम का वनवास समाप्त हुआ है और रामलला अपने दिव्य भव्य नव मंदिर में प्रतिष्ठित हैं। 500 साल बाद ऐसा अवसर आया है जब अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर बने उनके मंदिर में भी हजारों दीप जलाए जाएंगे। एक अद्भुत उत्सव होगा। ये ऐसी दीपावली होगी जब हमारे राम एक बार फिर अपने घर आए। मुख्य आयोजन स्थल राम की पौड़ी को अलौकिक रूप में सजाया गया है। 3 दिनों तक अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव के दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या के 55 घाटों पर 28 लाख दीयों को सजाने और जलाने के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और स्वयं सेवकों को लगाया गया है। अयोध्या के दीपोत्सव में भाग लेने वाले युवा बेहद उत्साहित हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। दिवाली की शाम को सरयू नदी के किनारे 1100 वेदाचार भव्य आरती करेंगे जो एक और विश्व कीर्तिमान बनाने का प्रयास होगा। पूरे अयोध्या में 11 से ज्यादा भव्य द्वार बनाए जा रहे हैं। पूरी अयोध्या नगरी को फूलों से सजाने की तैयारी भी की गई है और नगर के कई प्रमुख स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और झांकियों का निर्माण किया गया है। देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा माथे सुरक्षा प्रहरी ड्यूटी रह साथे घर से दूर रह दीपोत्सव मना रिया है। सीमा माथे तैनात जवान और अहलकार एक दूजा ने मिठाई खिलार दिवाली री शुभकामनावां दीनी। जैसलमेरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा माथे बनी चौकियां ने रोशनी सू सजायो गयो है। इन दौरान बीएसएफ री महिला जवान रंगोली बनार और दिया और मोमबत्तियां सू सजावट करी है। दिवाली के इस महापर्व पे मैं अपने देशवासियों को सीमा सुरक्षा बल की ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हम बीएसएफ परिवार के अंदर दिवाली का ये महापर्व बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। 24 घंटे बीएसएफ आपकी सुरक्षा में, देश की सुरक्षा में तैनात है और देश का प्रत्येक नागरिक आज निर्भीक होकर के देश के किसी भी कोने में हो, चाहे वो अपने परिवार अपने दोस्तों के साथ दिवाली को सेलिब्रेट करें और बीएसएफ की तरफ से सीमा सुरक्षा बल की ओर से पूरे देश को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर, ड्यूटी करते हुए दिवाली मनाना, अपने परिवार को याद करते हुए दिवाली मनाना अच्छा लगता है क्योंकि ऑल टाइम तो हम जा नहीं पाते अपने घर पे, कभी कभी जाते हैं कभी कभी नहीं जाते हैं, जो भी टाइम मिलता है हम इधर बीएसएफ परिवार के साथ अच्छे से दिवाली मना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे दिवाली मना के, हम दिए जला के और मोमबत्ती जला के सेलिब्रेट कर रहे हैं बीएसएफ परिवार के साथ। मैं यही बोलना चाहूँगी कि इधर हम बॉर्डर पे तैनात है, उसके साथ ही बीएसएफ परिवार के साथ हम दिवाली मना रहे हैं, तो आप सब निश्चिंत होकर अपने परिवार के साथ दिवाली मनाएं। पांच दिनारा दीपोत्सव रे दूजे दिन आज रूप चतुर्दशी रो त्यौहार मनायो जा रियो है। इनने छोटी दिवाली भी कहो जावे है। रूप चौदस रे दिन महिलावां खुद ने सजावे और संवारे है। टोक माए महिलावां तैयार होती नजर आई। इन दौरान ब्यूटी पार्लर माए भी महिलावां री भीड़ देखवाने मिली। महिलावां रो कहना है कि रोजमर्रा रा कामा रे दौरान बना खुद ने टेम नहीं दे पावे है, पर आज रे दिन बना ने सजबा संवरवारो मौको मिले है।
रूप चौदस का अगर अपन देखें, एक महीने से अपनी दिवाली की साफ सफाई शुरू हो चुकी होती है, उस बीच में लेडीज़ अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है, घर के कामों में ही लगी रहती है। तो रूप चौदस इसलिए भी मनाया जाता है कि इस दिन लेडीज़ अपने को खुद को तैयार कर सके, उपटन लगा सके और जो भी साफ सफाई शरीर की साफ सफाई कर सके। ये वक्त बदला है, इस वजह से अब उपटन की जगह पे पार्लर आ गया है। देखिए, बदलते समय के साथ समय बदल रहा है, समय चेंज हो रहा है। तो आजकल क्या है, सब लेडीज पहले के ज़माने में तो उपटन हल्दी लगा के खुद को सवारा करती थी, खुद पे पूरे एक महीना साफ सफाई के बाद घर की पूरी जिम्मेदारियों से परिपूर्ण होके और खुद के ऊपर घर पे ही ध्यान देती थी। लेकिन अब समय के साथ साथ सब पार्लर पे बुकिंग्स करवा के फेशियल, पहले तीन दिन पहले फेशियल, मैनीक्योर, पेडीक्योर, वैक्स वगैरह सब से फ्री होके और रूप चौदस के शुभ अवसर पे मेकअप के लिए बुकिंग्स वगैरह करवाती है। फिर उसके बाद वो लोग लक्ष्मी पूजन के लिए तैयार होती है और दीपावली की, सब दिवाली की तैयारियाँ जोर शोर से करती है। दीपावली से पहले रूप चौदस का अपना महत्व है। इस दिन महिलाएं सिंगार करने, सजने संवरने के लिए अब बदलते वक्त के अनुसार पार्लर पहुंचती है, खुद को संवारती है और लक्ष्मी पूजन से पहले खुद तैयार हो जाती है। क्योंकि एक महीना जो गुजरता है घर की साफ सफाई में गुजरता है और उसके बाद खुद की थकान मिटाने के साथ ही खुद को तैयार करने का ये दिन होता है और उसके बाद होता है लक्ष्मी पूजन। रवि टेलर, डीडी न्यूज़, टोंक। बालोतरारा खेड़ स्थापित रणछोड़ राय मंदिर में 1,00,000 दिया जलार प्रकाशोत्सव मनायो गयो। इन दौरान मंदिर में रंग बिरंगी रोशनी करी गई। मंदिर परिसर में दिया कानीसू स्वास्तिक ओम समेत बांसुरी और शंकरी कलाकृतियां बनाई गई। इन दौरान पचपदरा विधायक अरुण चौधरी, सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल समेत कई संत और आम लोग मौजूद रहा। धनवंतरी के इस मौके पर, इस तीर्थ स्थल पर 1,00,000 जो दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है और एक हमारे को अंधकार से उजाले की ओर ले जाने का प्रतीक है। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाला साल मेरे इस क्षेत्र के अंदर प्रगतिशील रहेगा। योगी जी और मोदी जी ने 1,00,000 से शुरुआत करके 6,00,000 तक दीपो उत्सव मनाया था। अयोध्या के जैसी मिसाल यहाँ खड़ी की है संस्कृति को बचाने के लिए। सनातन धर्म के जितने भी संगठन हैं वो जुड़ कर के इस तीर्थ का पूर्ण जीर्णोद्धार कर रहे हैं और पिछले 3 वर्षों से ये दीपो उत्सव मना रहे हैं। और दीपो उत्सव मनाने से हमारे यहाँ पूरा इस क्षेत्र का लोगों की श्रद्धा, निष्ठा और भाव का जुड़ाव में बहुत बड़ी मजबूती आएगी। बालोतरा की इस पवित्र पावन धर्म नगरी खेड़ मंदिर में 1,00,000 दीपोत्सव का ये आज आयोजन हुआ है। ये दीप उत्सव नहीं है, आज ये खुशी का उत्सव है और ये सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा आगाज है। एक राम मंदिर का छाया चित्र प्रकट किया है, ये सब इन्हीं की मेहनत है। और ऐसे ही हम समाज में यदि लड़कियां एकजुट होकर के ऐसा कार्य करना आरंभ करे तो लड़कियां कभी पीछे नहीं रह सकती हैं। ये प्रोग्राम हम इसीलिए कर रहे हैं कि युद्ध जुड़े, क्योंकि आजकल जो युद्ध है वो नहीं मानता है मंदिर जाना या भगवान को। तो ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े कार्यक्रम हमारे होते हैं तो इससे हम युद्ध को, मतलब कि युद्ध जुड़े। इससे हमारा सबसे ज़्यादा मोटिव यही था कि हम लोग लगभग हमने युद्ध को ज़्यादा जोड़ने की कोशिश की, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म से जोड़े और ये जो मंदिर है, जो मंदिर परिसर है जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो सके। 24 तारीख से हमने ग्राउंड में आकर के सारे जैसे ड्राइंग्स बनाना, दीपक लगाना, ये सब जो कार्य हैं, जो ग्राउंड कार्य हैं वो सारे 24 तारीख से सुबह शुरू हुए हैं। कल रात तक हमने दिए वगैरह सारा कुछ लगा करके पूरा रेडी रखा था। तो इस तरह से हमारी सारी तैयारियां शुरू। जयपुर रा नाहरगढ़ रोड स्थापित प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर में आज रूप चतुर्दशी माथे महालक्ष्मी रो दूध और पंचामृत अभिषेक कर श्रृंगार करो गयो। साथ ही महालक्ष्मी ने नुई पोशाक पहराएगी। मंदिर रा महंत धर्मेश शर्मा बतायो कि आज मंत्रोच्चार रे बीच महालक्ष्मी रो अभिषेक करो गयो। मणा कहो कि वो मंदिर करीब 300 साल पुराना है। Emba
माता महालक्ष्मी के यह मंदिर 300 साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर में जो शिला पे निर्मित माता महालक्ष्मी विराजमान है वह एक ही शिला से निर्मित है। इसमें नीचे कमल का फूल है, दोनों तरफ गज हैं, गज के सूंड के अंदर माता के कलश हैं, कलश से जल की वर्षा कर रहे हैं माता पे, और माता के चार हाथ हैं और दो में कमल के फूल है, एक में वेद है, एक में धन की वर्षा करते हुए माता के इन चार हाथ हैं। रूप चतुर्दशी पर माता महालक्ष्मी के पंचामृत से और 2.25 मण दूध से माता का दुग्धाभिषेक किया। 11 ब्राह्मणों द्वारा श्री सूक्त और पुरुष सूक्त से माता महालक्ष्मी का अभिषेक किया और नाना विध पुष्पों से फूल बंगला सजाया गया। नवीन पोशाक धारण कराएगी और माता के नाना विध व्यंजनों से भोग लगाया गया। प्रदेश भर में दीपावली रा त्यौहार रा मौका माथे बाजारा में खासी रौनक देखबा ने मिल रही है। बठई माटी सु बण्या पारंपरिक दिया री मांग भी लगातार बढ़ रही है। बाजारा में लोग माटी रा दिया ने घना पसंद कर रिया है। पेश एक रिपोर्ट। दीपावली का त्यौहार नजदीक आने के साथ ही एक और जहां बाजारों में सजावट के सामानों की दुकानें सजने लगी हैं, वहीं मिट्टी से बने पारंपरिक दीयों के निर्माण के लिए भी कारीगरों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। रोशनी के त्योहार दीपावली पर लोगों के घरों को रोशन करने के लिए केकड़ी में इन दिनों दिए बनाने वाले कारीगरों के चाक की रफ्तार बढ़ गई है। दीपावली पर सजावट के लिए लोग मिट्टी से बने पारंपरिक दीयों से घरों को रोशन करते हैं। इसी के चलते इस साल भी दीपावली को लेकर केकड़ी में दिए निर्माण को लेकर कुंभकारों की तैयारियां परवान पर हैं। साथ ही दीपावली के त्योहार पर इस बार बेहतर खरीदारी की उम्मीद है। इसके अलावा कुंभकार अपनी दिवाली रोशन होने की उम्मीद भी कर रहे हैं। और हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जैसे मटके हुई, दीपक हुए, दुपहने हुए, गुल्लक हुए, हांडिया हुई। हम मिट्टी के दीपक बनाते हैं और हर घर को रोशन करने के कार्य करते हैं। इस बार हम भी दीपावली पर अपेक्षा रखेंगे अधिक से अधिक दीपक बिके और हर घर खुशहाली आवे। दिए बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि आर्थिक सहायता के साथ ही बदलती तकनीक से उनके काम को आसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वोकल फॉर लोकल मुहिम के अनुसार पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत दिए जाने वाली मदद और टूल किट प्रदान किए जाने से इन्हें काफी राहत मिली है। इसको लेकर इन कारीगरों ने प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने जो विश्वकर्मा योजना चलाई है उसके तहत बहुत लाभार्थी हुए हैं इसके, और इससे हमें 4,500 रुपये जो 7 दिन गए थे उनकी ट्रेनिंग के वो मिले हैं, और टूल किट भी मिलेगा 15,000 रुपये का, और इससे आर्थिक से लोन जैसे 1,00,000 रुपये है वो भी ईश्वर की दया से और प्रधानमंत्री की कृपा से प्रदान होगा। दीपावली के इस अवसर पर जयपुर ग्रामीण का असलपुर गाय के गोबर से निर्मित उत्पादों का विशेष केंद्र बना हुआ है। यहाँ युवाओं द्वारा दीपोत्सव पर घरों में इको फ्रेंडली रोशनी के लिए गाय के गोबर से दीपकों का निर्माण किया जा रहा है। दीपोत्सव त्योहार के चलते इन दिनों बड़ी संख्या में यहाँ स्थानीय कारीगरों द्वारा दीपक बनाए जा रहे हैं। राजधानी जयपुर सहित जोधपुर, उदयपुर, दिल्ली और एमपी में भी यहां से दीयों की बिक्री के लिए दीपक जा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाजारों में लोग गोबर से निर्मित दीयों को काफी पसंद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। प्रदेश भर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य महकमा कानेसू लगातार कार्रवाई करी जा रही है। इन्हीं कड़ी के तहत धौलपुर में खाद्य सुरक्षा एहलकार पदम सिंह परमार रा नेतृत्व में टीम एक दर्जन सु 32 ठोरा माथे छापामारी री कार्रवाई करी। इन दौरान बद्रिका में 2,200 किलोग्राम मिल्क केक नष्ट करवायो गयो।
को देखते हुए पूरे राज्य में शुद्ध आहार एवं मिलावट परिवार अभियान संचालित है। इसी क्रम में धौलपुर जिले में लगातार 8 अक्टूबर से कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत आज श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश अनुसार सुबह बदरिका में एक कोल्ड स्टोरेज में मिक्स केक रखा हुआ था, जिसमें से नमूना लेकर के करीब 2220 किलो मिक्स केक जो बदबूदार था उसको नष्ट करवाया गया मौके पर गड्ढा खुलवा करके। दूसरी कार्रवाई में बोधपुरा में नन्हे खां मावा भंडार, जिसमें 4 नमूने लिए गए हैं। एक नमूना मावा का, एक मिश्रित दूध का और एक क्रीम का नमूना लिया गया है और एक अपना इसका घी का नमूना लिया गया है। 170 किलो घी को सीज किया गया है संदेह के आधार पर और करीब 1400 किलो मावा जो मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी जो हमारे साथ चल रही है उसकी जांच में रिफाइंड की पुष्टि हुई है उसको नष्ट करवाया जा रहा है। और अब खेल जगत से जुड़ी खबर। भारतीय क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड ने 6 विकेट से हरार वनडे सीरीज जीत लीनो है। भारत 3 मैचा सीरीज ने 2-1 सो आपने नाम करो। स्मृति मंधाना ने मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी गई बटई दीप्ति शर्मा ने प्लेयर ऑफ द सीरीज रो खिताब सो नवाजो गयो। और अब आखिर में खास खास खबर एक कर फिर मुख्य निर्वाचन एहलकार नवीन महाजन की अध्यक्षता में जयपुर में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों ने ले रही समीक्षा बैठक। लाइव वेबकास्टिंग का त्वरित विश्लेषण की कार्य योजना बनावा रहा तीना निर्देश। दीपावली का त्यौहार ने देखता तक जयपुर शहर में यातायात और सुरक्षा का कराया गया खास इंतजाम। पुलिस और होमगार्ड का 6,072 जवान भी तैनात पर कोटा में भारी वाहन और प्रवेश वर्जित। प्रदेश भर में आज दीपोत्सव दूसरे दिन मनाई जा रही है रूप चतुर्दशी। जैसलमेरी अंतर्राष्ट्रीय सीमारी चौकिया माते महिला जवान रंगोली बनार करी सजावट। खाद्य महकमा की टीम धौलपुर में 1 दर्जन से 32 ठोरा माते करी कार्रवाई। 2,200 किलोग्राम मिल्क केक करो गयो नष्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड ने 6 विकेट से हरार वनडे सीरीज करी अपने नाम। भारत 3 मैच वाली सीरीज ने 2-1 से जीत ली। इनरा साथे सिंजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई साथे देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।